Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about how to buy a direct mutual fund to grow, which is a direct mutual fund platform. So let's start. सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रो है क्या. ग्रो एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करता है, जिसमें कोई भी मिडल मैनेजमेंट या कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है. आपका पैसा डायरेक्टली एमसी में खरीदा जाता है, जिसमें कोई भी मिशन इन्वॉल्व नहीं है. तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट आपको इन्वेस्ट हो जाता है और ये काफ़ी इजी है. इसका पोर्टल काफ़ी यूजर फ्रेंडली है. मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में अवेलेबल है. इसका ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इसकी ये जो है ग्रो है, जो आपको 37 AMC में कवरेज देता है और ये आपको गोल ओरिएंटेड भी. इसके अंदर आपको प्लान्स रहते हैं जिसमें आपको जैसे 2 ईयर स्कूल 3 ईयर स्कूल भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात इस की ये है कि आप मान लेते हैं कोई भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है तो आप इसी एक अम्ब्रेला के अंदर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं. और इसका डाटा पॉइंट्स काफ़ी अच्छा है. आप इसमें जो पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है आप वो देख सकते हैं. इसमें टॉप 10 आपके कौन कौन से पोर्टफोलियो में, कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किए गए हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं. आपका फंड मैनेजर कौन है, आपका मैनेज कौन कर रहा है फंड, आपको पता आपको इसमें पता चल जाएगा. आपका एक्सपेंस रेशियो कितना हो रहा है, कब ये लॉन्च किया गया था. आपके साथ जो पीयर कंपैरिजन है आप वो भी आसानी से कर सकते हैं. इसका KYC पार्ट काफ़ी इजी है. आप जब भी प्ले स्टोर से लॉग इन करते हैं आपको सिर्फ कुछ ही डिटेल्स देने होते हैं, जैसे पैन कार्ड देने होते हैं, आपको बैंक डिटेल्स, किसी कोड वगैरह. बैंक आप इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको वो डिटेल देना पड़ेगा. आपको वहीं से KYC मैप कर लेगा. जहाँ पे आपका बैंक में KYC हो रखा होता है आप उसकी डिटेल्स जब KYC के डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपका KYC अपडेट कर देगा. यहाँ पर KYC पार्ट काफ़ी ईजी है. दो मैक्सिमम 1 to 2 डेज में हो जाता है. ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें ये भी आपको सुविधा मिलता है, आपका अगर कोई रेगुलर प्लान है तो आप उसको डायरेक्ट प्लान में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि ग्रो ऐप को कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन में, कैसा इसका व्यू है, कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा हैंड्स ऑन करके इसमें दिखाऊंगा. सो ओवर टू माई स्क्रीन. अब हम ये देखेंगे कि ग्रो ऐप काम कैसे करता है. सबसे पहले हम लोग ग्रो ऐप स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर आपको पैटर्न लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक दोनों मिल जाता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिक्योर रहता है. ये सबसे पहला पेज आपको ये दिख रहा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको. ये 4 ऑप्शंस: ट्रैक एंड स्विच, असिस्टेंट, स्मार्ट सेव, रिफंड अर्न, टॉप फंड, हैंड पिक कलेक्शंस आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट प्लान दिख रहा है, डेली न्यूज़, लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स जिसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं. सबसे पहले ट्रैक एंड स्विच में जाएंगे. ट्रैक एंड स्विच में आपको ये एक ऑप्शन मिलता है कि जब जो भी आपका एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है आप एक ही अम्ब्रेला के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं. असिस्टेंट में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में आपको आपके अनुसार सही रहेगा, तो इसके लिए हम लोग इसमें ऑलरेडी एक असिस्टेंट मैपिंग किया हुआ है. जैसे मान लेते हैं कि आपको सिप का इन्वेस्ट सिप मोड से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो आप इसमें अमाउंट डाल दीजिए. अमाउंट मान लेते हैं कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, 10,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ, तो आप इसके थ्रू जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको ये 2 ऑप्शंस दिख रहा है जिसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड, HDFC ब्लू चिप फंड डेट इज़ अ रिकमेंडेड फंड, ये आपको रिकमेंड किया जा रहा है. उसी तरह जैसे मान लेते हैं आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करना है 1 to 3 years के लिए, चाहे लेस देन 1 ईयर के लिए. मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपये आप जमा करना चाहते हैं तो आप जब इन्वेस्ट कीजिएगा तो इसमें सजेस्टेड फंड आपको दिखा रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एंड कोटक लो ड्यूरेशन फंड. तो ये आपको गाइड कर देता है कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है.
आप अपना भी खुद का रिसर्च कर सकते हैं. स्मार्ट सेव इज़ नथिंग बट इट इज़ योर मनी इज़ इन्वेस्टेड इन लिक्विड फंड जिसमें आपको बैंक इंटरेस्ट से 3-4% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. इसका एक रेफरल प्रोग्राम भी है जिसमें आप किसी को रिफ़र कर सकते हैं, दोस्त को रिफ़र कर सकते हैं. इन टर्न यू विल गेट रिवार्ड अप टू 100 रुपीज़. अब देखते हैं यहाँ पर टॉप फंड आपको दिखा रहा है जिसमें आपको मल्टी कैप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड दिख रहा है आपको, रिलायंस लार्ज कैप फंड दिख रहा है, ICICI प्रू का ब्लू चिप फंड दिख रहा है, आदित्य बिरला लाइफ इक्विटी फंड दिख रहा है. अब ये जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो ऊपर में शो करता है. इसमें हैंडपिक कलेक्शन में हायर रिटर्न कम्स विथ हायर रिस्क ऑल्सो. तो हायर रिटर्न के लिए आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको हायर रिटर्न आपको दिख सकता है कि हायर रिटर्न वाले इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे. टैक्स सेविंग 80C के अंदर आप सेव करना चाहते हैं, आप इसके अंदर आप ये सब फंड्स के अंदर आप कर सकते हैं. जिसमें बेटर देन FD मीन्स व्हाट कि इसमें लो ड्यूरेशन फंड है, चाहे आर्बिट्रेज फंड हो सकता है, चाहे लिक्विड फंड हो सकता है जिसमें आप लो ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करते हैं. टॉप कंपनीज में जैसे आप ब्लू चिप फंड, इसमें लार्ज कैप फंड ही जनरली हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ टॉप कंपनीज फंड में. और ये एक अलग से दे रखा है जिसमें आपको शिप मोड है, आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब फंड दिया हुआ है. सेक्टोरियल बेट में है जैसे आप किसी एक सेक्टर में आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत हाईली रिस्क होता है कि आप किसी कोई भी हो सकता है, कोई भी सेक्टर अचानक से ऊपर नीचे हो जाता है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है. तो वो एक रिकमेंडेड फंड नहीं होता कभी भी सेक्टोरियल बेट. आप देखिए जिसमें एक और ऑप्शन आता है जिसमें डेली न्यूज़ दिख रहा है कि इसमें जो भी स्टॉक मार्केट से, चाहे फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो नीचे आपको दिख जाती हैं. ऐप को समझने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी आपको नीचे में दिख जाते हैं. हम डैशबोर्ड दिखा रहे हैं तो डैशबोर्ड में क्या है कि आपको आप देख पा रहे हैं कि मेरे इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं. और आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका लास्ट पेड कब हुआ था और आपका नेक्स्ट ड्यू कब है, जैसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका पेमेंट कब निकलने वाला. माई ऑर्डर में जैसे आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स इन रीसेंट टर्म्स में किया होगा वो आपको शो कर देगा. इधर शिप मोड में आप देख रहे हैं कि आप ये सब आप म्यूचुअल फंड शिप मोड से कर रहे हैं. रिपोर्ट सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं. ट्रांजेक्शन आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है, टैक्स स्टेटमेंट भी निकल आता है, कैपिटल गेन कितना आपने बेचा है जिसके कारण आपने कैपिटल गेन कमाया है, आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ईजी होता है रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ योर ITR. हेल्प एंड सपोर्ट में आपका सेक्शन में बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ऑलरेडी इसमें कवर किया गया है. कहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इसमें लिस्टेड नहीं है, चाहे तो उस केस के लिए आप इसमें चैट कर सकते हैं, चाहे आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, चाहे आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ये सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पार्ट में. देखिए जैसे मान लेते हैं कि मैं ये इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसमें आपका करेंट NAV 99.99 है, एवरेज NAV ये मेरा 96 है, मैंने इतना यूनिट्स अभी तक खरीदा रखा है. इसमें आपको रीसेंट परचेस आपको नीचे में दिख जाते हैं. जैसे मान लेते हैं आपको इस फंड को रिडीम करना है तो आप यहाँ पर रिडीम पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर फंड की एंट्री डालनी है. जब जैसे करेंगे आपको 2-3 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा. उसी तरह मान लेते हैं कि आपका मार्केट बहुत गिर गया है, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट एज ए बल्क डालना है. आपका SIP तो चल ही रहा है, अगर मान लेते हैं वन टाइम के लिए आप 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फर्दर प्रोसीड करके आप यहाँ पे भी एडिशनल यूनिट्स आप खरीद सकते हैं. अब देखते हैं इसके एनालिटिकल्स पार्ट. जैसे आप देखिए मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में हम मैं चेक कर रहा हूँ कि आपका देखिए यहाँ पर वन ईयर का रिटर्न यहाँ पे आपको 3 स्लैब में दिखाता है, ये 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर. आपका ये जो फाइव स्टार जो रेटिंग है वो आपका क्रिसिल रेटिंग है. ये फंड साइज 13,000 करोड़ का है और ये आपके NAV करेंट NAV शो करता है. SIP मोड से यहाँ पे सेफ कैलकुलेटर और लमसम कैलकुलेटर भी दिया हुआ है. आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका फंड का परफॉर्मेंस कैसा है एज़ कम्पेयर टू योर बेंचमार्क. आप देखिए लास्ट 1 ईयर में मिड कैप
मेरा एसेट लार्ज कैप फंड आपको 11.3% का ग्रोथ देता है, और कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि मतलब कितना आपका फंड अच्छा कर रहा है। सबसे अच्छी बात है इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिया जाता है। इस फंड में एज सच कोई भी कॉन्स नोटेड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें कॉन्स वगैरह सब दिए जाए। जैसे AUM काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें अल्फा जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोई भी फंड जल्दी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो उस केस में हम लोग को वैसे ही फंड सेलेक्ट करने हैं जो मीडियम साइज़ के AUM साइज़ के हों। इसमें देखिए आप कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीयर कंपनीज। टॉप 10 होल्डिंग्स आपका कहाँ पैसा किधर लग रहा है, जिसमें टॉप 10 होल्डिंग कौन कौन से, जैसे HDFC, ICICI, रिलायंस, एक्सिस, ये सारे फंड्स ऐसे हैं जिसमें आपका पैसा लग रहा है इसके अंदर। अदर इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टैक्स इम्प्लीकेशन, कैसे आपको टैक्स इसमें फाइल करना है, कैसे नहीं करना है, सब आपको दिख जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.64%। तो इसमें सारी क्लैरिटी आपको जो होनी चाहिए रिगार्डिंग पिकिंग एनी म्यूचुअल फंड इज़ ऑलरेडी देयर। नीलेश सुराना एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर है जो बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको निकाल के देते हैं। आपको नीचे में भी आपको सिमिलर फंड्स इसमें आपको शो करेगा। इन ए वे ग्रो ऐप एक काफ़ी अच्छा ऐप है जिसमें आपको सारी सुविधा मिल जाती है, आपका KYC पार्ट काफ़ी ईजी है, और आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप ग्रो ऐप में से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can subscribe to my channel Profit Learning to get more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon. Happy investing!